प्रकाश चंद अहरवार ग्राम दधरी का रहने वाला, जो ग्राम पंचायत संग्राम खाद है, ब्लॉक नौगांव, जिला छतरपुर, एमपी का। मेरा नाम कमला है, मैं ग्राम पंचायत संग्राम खुद से हूँ और ब्लॉक नौगांव है, जिला छतरपुर। मेरे समूह का नाम शंकर। मैंने कृषि सखी की ट्रेनिंग पाई है और कृषि सखी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे अब मैं खेती करती हूँ, मैं खेती पहले करती थी मानो अनजान के, जैसे मानो समझ आया वैसे करती थी। अब मुझे एक मार्ग मिल गया मानो किसी कृषि सखी से उत्पादन हुए, तो अब मैं कृषि सखी से ट्रेनिंग लेके अब जैविक खेती करने लगी, जिससे मुझे काफ़ी आमदनी भी है और फर्क भी महसूस हुआ। मुझे देख कर मेरी कई दीदियाँ मेरे साथ शामिल हो गई। गाँव में मैंने काफ़ी दीदियों को समझाया सिखाया, बार बार मेरे यहाँ देखने आई, खेत पे भी देखने आई, बोलती हाँ दीदी मुझे अच्छा लगा। जैसे पास गाय भी है, अपन को कुछ लेने नहीं जाना, सब कुछ अपने पास है, तो अपन भी जैविक खेती करेंगे। तो मेरे साथ कब लगभग करीब 30 दीदियाँ साथ में जुड़ गई। खेतों पे भी मानो जैविक खेती मानो उन्होंने की रख कर रखी है। अब मानो इस साल मानो हर घर में पोषण वाटिका भी लगा रही दीदी। ठीक है, आपको 5 दिवस की ट्रेनिंग में कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगा, कौन सा चीज़ और भी जानकारी होना चाहिए ऐसा लगा है? मुझे 5 दिवस की ट्रेनिंग में तो सर जी इतना कुछ समझ में आया कि मानो जो कुछ बता रहे हैं मुझे अच्छा लगा अपने, कि मानो इसमें हमें घुसना चाहिए और कुछ ज्ञान लेके अपनी दीदियों को भी मानो ज्ञान देना चाहिए। क्या नया हो सकता था जिससे और हम सीख सकते थे वो 5 दिवस की ट्रेनिंग में, जिससे अगली ट्रेनिंग हो सके उसमें हम सुधार कर सके? मतलब उसके क्या आपको लग रहा है और पोषण के बारे में है और जानवर के बारे में भी है और कीड़े वगैरह उसको कैसे हम कम कर सकते हैं उसके बारे में भी है, तो इसमें से क्या आपको और भी थोड़ा जानकारी चाहिए? कीटनाशक जरूरी है, जो कीटनाशक दवाइयों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये खरपतवार ये खत्म नहीं होते। तो अभी तो जैसे सर जी और ट्रेनिंग में लेंगे, जैसे हम खेतों पे उबड़ा लग जाए बार बार, तो जो अभी समझ में नहीं आ रहा हमको, तो हम सोचते हैं इसके बारे में और कुछ ट्रेनिंग मिले उक्ता है ना। ये आपको मतलब दीदी जब ट्रेनिंग लेके आई है उसके बाद आपका खेत में या आपका जो व्यवसाय करते हैं उसमें क्या बदलाव आपने किए हैं? आपको कैसे मतलब दीदी गई है लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा मिला है? फायदा ये मिला सर, जैसे हमने जीव अमृत डाला उसमें छिड़काव किया, तो जो जो मतलब यानी कि दुकानों की दवा डालने से फायदा नहीं हुआ, जो इस दवाई से फायदा है। अलग पेड़ पौधा मतलब फल में भी परिवर्तन है, जो छोटे छोटे होते थे वो थोड़े मस्त होते अच्छे तालों से। वो दीदी जो व्यवसाय की बात बता रहे हैं ना, जो आपने कैसे बेचा, जो अपन बात कर रहे थे क्या पहले कैसे बेचते थे, वो भी आपने बताइए। जैसे हमारा हम उत्पादन करते थे सर जी, तो बनियों को बेचते थे, तो बनिया यहाँ पे हमारे घर पे आके देखते थे, मानो छोटी छोटी बीजी देखते थे मूँगफली थे उसका रेट लगाते थे, जो मस्त दाना उसका नहीं मानो बुक करते थे। और जब हमने ट्रेनिंग सेंटर में जाके वहाँ सुना समझा, तो जब हमने जाके सोचा बीज भंडार पे मानो इसको प्लांट पर बेची हमने, तो प्लांट पर ले गए सर जी, वहाँ पे फिर उन्होंने दाना देखे, दाना का वजन किया, उस हिसाब से मानो हमें बनियों के यहाँ से जाके वहाँ अच्छा रेट मिलने लगा। तो हमने काफ़ी दीदियों को समझाया कि देखो वहाँ पे हमने मानो यहाँ से ट्रेनिंग करके मानो अच्छा लगा, वहाँ पे बीज अपन बनियों को देते सस्ता जाता और वहाँ पे बेचेंगे तो अच्छे रेट मिलेंगे। तो दीदियाँ उन्हें काफ़ी नो इकट्ठे होके मानो बोले हम भी साथ में होंगे, हम भी साथ में, तो हमने 10-12 दीदियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा माल बेचा, तो सभी दीदियों बहुत खुश हुई। कितना अंतर था दीदी अमाउंट में पैसे में? वो सर जी हमें कोई मूंगफली जा रही थी, तो अंतर आ जाता सर, कोई मूंगफली हमने 45-46 रुपए बेच रहे थे, वो ही मूंगफली हमारी 55-56 के हिसाब से बिकी थी सर जी, तो बहुत दीदियां मानो खुश हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। मैं कृषि से किसका ट्रेनिंग हुआ है वो कैसे हुआ है वो भी देखना चाहते हैं कि उसका असर फील्ड में एक्चुअली कैसे है, क्योंकि आप लोग करते हैं, आप बाकी किसान लोगों को बताते हैं, तो इसका असर किस प्रकार की है, मतलब कुछ कमियां हमारे ट्रेनिंग में है क्या, वो कैसे पूर्ति करें, वो सोचने के लिए थोड़ा सा आपसे भी हमको। सर जी हमें ऐसा सहयोग चाहिए अभी थोड़ा, क्योंकि दीदियाँ साथ में तो आ रही हैं अभी हमारे, थोड़ा वो हिचकिचा जाते हैं,
मानो साथ में भी आती है थोड़ा पीछे भी हट जाते हैं, तो हम सोचते थोड़ा आप और घनी मानो ट्रेनिंग देंगे समझाएंगे ताकि ये दीदियों को और हम अच्छे से समझा पाए। ओके मतलब किस प्रकार की ट्रेनिंग है? आप तो पहले ट्रेनिंग आप उसमें शामिल थे और अगले ट्रेनिंग किस प्रकार की होना चाहिए? अब अगली ट्रेनिंग इस प्रकार से होनी चाहिए सर जी, जैसे हमने मानो जैसे धन जीवन सीख लिया ठीक है, और इसको बेचना भी सीख लिया, अब उतनी करके हम लोग बैठ जाते हैं, जैसे गर्मियों की फसल में हम क्या लगाना है, हमें इन सब की थोड़ी आ गई जानकारी। ठीक है, धन्यवाद दीदी, थैंक यू।